What? इडियट, घर में माँ बहन नहीं है? अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे बाबू बाबू I'm sorry. Sorry. अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लू या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लू? हैं? देख क्या रहा है? खैरियत चाहता तो झुक कर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो? तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है? बस यूं समझिए अब आज पहला दिन। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ। चल अबे ओ मेरा का मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे और तू है कि डाउट कर रहा है इस कॉलेज से आउट हो जाएगा? हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है। अब एक खंडर के जरों के दक्कन, तू क्या किसी म्युनिसिपैलिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया क्या? तुझे इतने भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। हेलो हेलो, इनसे इनसे मिलिए, ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते कि... आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ, पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मींस गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है, ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई। छोटे बच्चे सीख लेंगे। आजा कबूतर, जल्दी से आ, दोनों मिलकर गुटर को करते हैं। चल मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं, पढ़ाने आया हूँ। ये तो प्रोफेसर है। मेरा गुरु निकला। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं, लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन मां बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक दुआ तो दिल से उठता है, ये दुआ कहाँ से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार अपनी किताब उठाइए, पढ़ना है मुझे। Now get out of the class. लेकिन पढ़ना है ना मुझे। I said get out of the class. अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया। तो आप ही गाकर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूँ और
बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ, एक बात जरूर बता दूं कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है और आप ही के पास बैठी है, स्वीटी सक्सेना। क्या तू? कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। राकेश अवस्थी। यस सर। गीता बख्शी। यस सर। काली कालीचरण, ये कौन सा है जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर, मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये पैकेट किसका है? कौन लाया इसे? ये क्या है सर? ये वो जहर है जिसका इलाज सिर्फ मौत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो शरीफ ज्यादा कौन है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं आखिरी मौका देता हूं। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची, मैंने क्या किया? क्यों, तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया है? सॉरी बाबा, सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ। भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? अगर तू हमारे घर दुल्हन बनकर आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तेरा मतलब है मैं तेरी भाभी बन जाऊँ? क्यों, क्या खराबी है मेरे भैया में? शक्ल से पागल, अकल से दीवाना और बातचीत से आवारा लगता है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। हम और तुम? हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे। और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ, हो गया, आप जल्दी चलिए नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई, नहीं हो जाएगी। आ, 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 आ,
आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब ये हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि ये कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पर। और ये सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम, बेगम, बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है हाँ? अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिंपल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रूखे रूखे होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी के आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड ही साहब को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। सूटी कहाँ? सिटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है, बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है, किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग?
वो फायर ब्रिगेड की आग जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या जमाने के आने से नहीं नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिंपल के भाई से कयामत के रास्ते पे पका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में पका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। जल्दी कैसे बोलूं? ठीक है, आंखें बंद करके बोलती हूँ। I love you. काली बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवा कर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूँ। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पैरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। He is also right. वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगू? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब, पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा तो आपने अपनी कालिख अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up, you dirty son of a bitch! Mr. Saxena! सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है। जी हाँ, ये सारी बातें हमें उस मासूम लड़की ने ही बताई है। आइए प्लीज सर। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। शांत हो जाइए। विजय सक्सेना प्लीज शांत हो जाइए। सुधा बेटे यहाँ आओ, आओ आओ बेटे। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा। डरो मत, यहां पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया, वरना इसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर सर, ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए। जवाब दीजिए। सर सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर, हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, इस कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं
आप लोगों से हाथ जोड़कर उस गुनाह की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहां किस लिए आई हो? मैं बताती हूं, सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी स्वीटी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहा ना मानती तो वो मेरे बेटे की इज्जत लूट लेते, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं ना अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और ना ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूं। ए डमरू। जी साहब। फटाफट दो प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ, क्या सोच रही हो, मेरी जगह कोई और आ गया क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो। ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अभी वो डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ, खाना है तो खाओ नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी, आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों, दादा बनने की कोशिश कर रहा है हा? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है, अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने, उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। या ठीक नहीं कर रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं करता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। मिस्टर रिचर्ड, आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं, वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेंपल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खराती जी, रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी माफी चाहता हूँ सर, लेकिन यह डिलीवरी आज रात को नहीं हो सकती क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है? अरे उसी चूंचू के मुरब्बे विजय सक्सेना ने करवाया होगा। आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी माशूका के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा।